हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन ब्यूटी वर्ल्ड। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेस्ट बताऊंगी जिससे आपकी जो हेयर है वो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और इवन पहले से बहुत ज़्यादा हेवी दिखेगी, बाउंसी दिखेगी और इसमें शाइन भी नज़र आएगी। ये पेस्ट सिर्फ आपकी हेयर को शाइन और सिल्की ही नहीं बल्कि ये आपकी स्कैल्प को इन्फेक्शन को रिमूव करती है और स्कैल्प अगर इची स्कैल्प का प्रॉब्लम हो उसे भी ख़त्म करती है और अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया हो तो उसे भी ख़त्म करती है ये पेस्ट। सो अगर आप स्पा करवाते हो तो आपकी हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो हो जाती है लेकिन उसकी जो केमिकल्स होते हैं वो आपके बालों को डैमेज भी कर देते हैं कुछ समय बाद। अगर आप अपने हेयर को बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट दिलवा चुके हो, आइदर आप हेयर स्पा करवाते हो हमेशा या अगर आप अपने हेयर पे ज़्यादा कलरिंग करवाते हो तो उससे भी आपकी हेयर थोड़ी ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सो इसकी नेचुरल वेज हैं जिससे आप अपने हेयर को फिर से हेल्दी बना सकते हो और हेल्दी बनाने के साथ साथ अपने हेयर को हेयर फॉल को भी स्टॉप कर सकते हो। सो गाइस, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने हेयर पे केमिकल ट्रीटमेंट करवा कर और कुछ चाहते हैं कि नेचुरल मिले जिससे आपकी हेयर स्मूथ के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेयर की ग्रोथ भी बढ़े। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हमारी हेयर की लेंथ बढ़ जाती है तो हमारी हेयर की जो एंड में होती है वो एंड थोड़ी थिन होने लगती है, धीरे धीरे बाल गिरते गिरते थिन हो जाती है। तो ये पेस्ट उसे भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर को सॉफ्ट भी बनाता है और आपके हेयर को फॉल को भी कंट्रोल करता है। बिलीव मी गाइस, इट वर्क्स विथ मी और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ताकि मेरे हेयर हमेशा स्मूथ रहे, सॉफ्ट रहे और ताकि मैं जब भी कॉम करूँ तो बाल बिल्कुल भी ना टूटे। सो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सो इस रेमेडी को बनाना कैसे है, लेट्स सी द वीडियो। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए बनाना। बनाना जब तक काली ना हो जाए तब तक आप इसे 2 से 3 से 4 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये जब काली हो जाएगी तब आपको इसे यूज़ करना है। आजकल बनाना बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, जैसे कंडीशनर में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है क्योंकि बनाना में सिलिकन पाया जाता है जो आपके हेयर को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है, आपकी स्कैल्प को भी रिपेयर करता है और हेल्दी बनाता है। सो सबसे पहले आप इसे ग्राइंडर में डाल लीजिए इसके पील ऑफ करने के बाद। उसके बाद आपको चाहिए हिबिस्कस फ्लावर, मतलब उड़ल का फूल। मैं यहाँ सिर्फ 2 ही यूज़ कर रही हूँ, आपको करीब 30 तक आप ले सकते हैं इसे, 20 से 30 तक। ये आपके हेयर को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है, इसमें अमीनो एसिड होता है जिसके कारण आपकी बाल्डनेस भी दूर हो जाती है और हेयर रीग्रोथ भी हो जाता है। सो हिबिस्कस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हीना लीव्स चाहिए। हीना लीव्स मतलब कि मेहंदी के पत्ते, अगर आपके पास फ्रेश पत्ते हो तो बहुत अच्छी बात है, 50 से 60 आप मेहंदी के पत्ते ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करती है और आपके हेयर को स्मूथ बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो आपके स्कैल्प में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे दूर करती है और ये नेचुरली आपके हेयर को भी थोड़ी शाइन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको चाहिए आधी चम्मच टर्मरिक। टर्मरिक जो टर्मरिक आपकी हेयर से अगर कोई इन्फेक्शन हो गया होगा आपके स्कैल्प में तो उसे दूर करती है, आपके डैंड्रफ को ख़त्म करती है, इची स्कैल्प को भी ख़त्म करती है। उसके बाद आपको चाहिए 2 चम्मच एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल आप ले लीजिए 2 चम्मच के करीब। एलोवेरा आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, आपके स्कैल्प को बिल्कुल हील करती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया हो आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन या कुछ भी तो उसे कंट्रोल करती है। उसके बाद आपको चाहिए फ्रेश कर्ड, बिल्कुल फ्रेश दही चाहिए आपको, खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये मीठी दही होनी चाहिए और इसे यूज़ करना है आपको। अगर खट्टी दही होती है तो आपकी हेयर थोड़ी ड्राई बना देती है जिसके कारण मैनेजेबल नहीं होता है। सो आपको बिल्कुल मीठा वाला दही चाहिए, या आपकी हेयर में कंडीशनर का काम करती है, आपके हेयर को स्मूथ बनाती है। उसके बाद आपको ऐड करना है 1 से 2 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हो हनी। हनी आपके हेयर को शाइनी बनाती है, कंडीशनर की तरह काम करती है, आपके स्कैल्प को भी स्मूथ बनाती है और इची स्कैल्प से भी आपको राहत दिलाती है। सो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट को मैश कर लेना है ग्राइंडर में। ग्राइंडर में आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद आपको इसे यूज़ करना है।
आपको बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बना लेना है। इस टाइप का पेस्ट इसलिए बनाना है, बहुत थिन होना चाहिए ताकि आप जब भी अप्लाई करो अपने हेड पे तो ये अच्छे से पूरे बाल को कवर कर ले, पूरे हेड को कवर कर ले। आप हो सके तो इसमें और कर्ड ऐड कर सकते हैं। लगाने से पहले आप पूरे हेयर को अच्छे से कॉम कर लीजिए ताकि पेस्ट अच्छे से लग जाए। आपको बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए पेस्ट की। आपको इसे पूरे बालों में और स्कैल्प पे अपने हाथों से या ब्रश की हेल्प से आप इसे अच्छे से पूरे बालों में लगा लीजिए। मैंने पूरे बालों में लगा लिया है दोनों साइड। पूरे बालों में लगाने के बाद आप चाहें तो इसका जूड़ा बना सकते हैं या इसे ऐसे भी खुला रख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एक दिन पहले आप जरूर अपने हेयर को ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने के बाद जिस दिन आपको ये पेस्ट यूज़ करना हो उस दिन आप हॉट टॉवल का यूज़ कीजिए, अपने हॉट टॉवल से पूरे हेड को कवर कीजिए। और अगर आपको ये प्रोसेस नहीं आता हो तो पिछले वीडियोज़ में मैंने इसे दिखाया है कि आपको हॉट टॉवल कैसे यूज़ करना है। आप मेरा न्यूट्रिएंट मास्क वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने हॉट टॉवल यूज़ करके आपको बताया है कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। सो ऑयलिंग करने के बाद आपको हॉट टॉवल यूज़ करना है। हॉट टॉवल यूज़ करने के बाद आपको अपनी हेयर को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको इस मास्क को लगाना है और उसके बाद ठंडे पानी से इसे धो लेना है। एक घंटा तक लगाने के बाद आप धो सकते हैं। सो इसके बाद आपकी जो हेयर स्मूथनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बिल्कुल आपके हेयर थोड़े स्ट्रेट भी हो जाते हैं। अगर आपको अपने हेयर थोड़े स्ट्रेट करने हो तो बिल्कुल आप ये रेमेडी ट्राई कीजिए और अपने हेयर को स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट बना लीजिए। सो गाइस, आप इसे बिल्कुल महीने में एक से दो बार ट्राई कर सकते हैं विथ हॉट टॉवल। सो डू ट्राई दिस रेमेडी वंस। आई गारंटीड कि आप बिल्कुल इसे बार बार ट्राई करेंगे। और अगर आपको एग यूज़ करने में अच्छा ना लगता हो तो ये रेमेडी बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन्हें एग यूज़ करना पसंद नहीं है। और अगर आपको एग पसंद है तो आप इस रेमेडी में एग भी ऐड कर सकते हैं, एग वाइट, और उसके बाद और अच्छी रिजल्ट आएगी। सो गाइस, डू ट्राई दिस रेमेडी एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।